डिप्रेशन आज की डेट पे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बनती आई है। यूँ बोल लो कि आज की डेट पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो पैसा है या कोई भी और रीजन है, उसकी वजह से डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। डिप्रेशन में जाने के पीछे क्या रीजन्स हैं, कुंडली को अगर हम समझें या ग्रहों को अगर हम समझें, तो किस तरह की कंडीशन के हिसाब से जो डिप्रेशन में जाने वाली कंडीशंस होती हैं और डिप्रेशन किस तरह से हमारी लाइफ को जो है वो खराब कर सकता है, या फिर किस तरह से लोग जो है वो मेजर बैड डिसीजन इस चीज़ में ले सकते हैं, उन चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियोज अगर मैं इस पर पोस्ट करूँ तो आप लोगों को ये वीडियो जो है वो सबसे पहले पहुँच सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं डिप्रेशन की कंडीशन किस तरह से होती है किसी भी कम्युनिटी में। तो डिप्रेशन को अगर हम समझें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहली चीज ये है कि इंसान की जो सोच है, ओवर थिंकिंग जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि ओवर थिंकिंग होने की वजह से जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ थॉट्स होती है, नेगेटिव थॉट्स होती है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान को उससे बाहर निकलने के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। वैसे तो देखो जो डिप्रेशन की जो कंडीशन है उनमें नॉर्मली तो अगर हम 50% लोगों की बात करें उसमें से, तो 50% लोग इसमें से ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन 50% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं या इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि लोग इस चीज़ में सुसाइड तक की कंडीशन में चले जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज भी लोगों को आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कैसी चीज़ें हैं जो कुंडली में योग हम बोल सकते हैं कि कैसे लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए जो कुंडली में हमारे जो चंद्र ग्रह जो हमारा होता है, चंद्र माता का कारक भी है, चंद्र हमारे मन का कारक भी है, चंद्र हमारी विचारधारा का कारक भी है। तो उन चीज़ों को अगर हम समझेंगे, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, तो चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो आपके लिए आपकी विचारधारा को वो करता है, कंट्रोल करता है, मन का कारक है। ठीक है, तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपको थॉट कैसे आएंगे, वो चंद्र पर डिपेंड करता है कि चंद्र क्या है, चंद्र आपकी कुंडली में कैसा है। आपकी कुंडली में चंद्र अगर मान लीजिए कि बुरे स्थान पर बैठा है, चंद्र नीच की अवस्था में है, या चंद्र अशुभ है, किसी ग्रह से अगर पीड़ित हो रहा है, या चंद्र के ऊपर किसी पापी ग्रह की जैसे शनि राहु केतु की अगर दृष्टि आ रही है किसी भी तरीके से, तो आपका चंद्र जो है वो पीड़ित माना जाएगा ऐसी कंडीशन में। अगर चंद्र किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो चंद्र को कोई ना कोई सपोर्ट जरूर रहेगी, लेकिन स्टिल अगर चंद्र पीड़ित है तो वैसी कंडीशन में प्रॉब्लमेटिक कंडीशन रहेगी। अब डिप्रेशन जैसी कंडीशन को अगर हम समझें, तो डिप्रेशन जो है इसके लिए सबसे पहला जो कारक ग्रह जो होता है वो आता है राहु। यानी कि राहु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो भी आपको डिप्रेशन आ सकता है, जो कि चंद्र को खराब करेगा। दूसरा ग्रह आपकी कुंडली में जो है वो शनि, इसके बाद आता है शनि का प्रभाव भी अगर चंद्र के ऊपर आता है तो भी आपको डिप्रेशन जो है वो हो सकता है। इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है डिप्रेशन के लिए, वो मैरिड लाइफ हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो जॉब हो सकता है, हो सकती है, या पॉलिटिक्स हो सकती है, या घरेलू किसी भी तरह के विवाद हो सकते हैं, कोई लोन हो सकता है, किसी भी तरह की कोई भी चीज हो सकती है। चंद्र की स्थिति अगर चंद्र 6, 8, 12 इन भावों में अगर आपकी कुंडली में है तो चंद्र पीड़ित माना जाएगा, या फिर चंद्र के साथ अगर राहु या शनि किसी भी तरह से अगर कनेक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका जो मेंटल स्टेट है वो वीक रह सकता है। इसी कुंडली में किसी की भी कुंडली में अगर ये चंद्र की कंडीशन बनती है जिसमें चंद्र पीड़ित हो, या जातक को जो है वो ओवर थिंकिंग जैसी कंडीशन बनती हो, तो इस कंडीशन में चंद्र के साथ जो भी ग्रह आपकी कुंडली में बैठेगा अगर, या जो भी ग्रह चंद्र को पीड़ित कर रहा है, उस ग्रह को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस ग्रह को ठीक करते हैं, यानी कि उस ग्रह के उपाय करते हैं, चंद्र को मजबूत करते हैं, तो इस कंडीशन से जो है वो बाहर निकला जा सकता है। कोशिश करिए कि अगर कोई भी जातक ऐसी कंडीशन में है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, या उसको बोलिए कि अकेला ना रहे, सो दैट कि किसी न किसी चीज़ में जातक बिजी रहे और कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। तो चंद्र को ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चंद्र को ठीक करने के लिए सबसे कॉमन जो चीज़ है, चंद्र के बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। अगर चंद्र के बीज मंत्र का जाप करेंगे आप, तो वैसी कंडीशन में चंद्र को बल मिलेगा, या फिर आप प्रदोष का व्रत रख सकते हैं तो चंद्र को बल मिलेगा। तो ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें भी किसी को डिप्रेशन जैसी कंडीशन बन सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर करें दूसरे दोस्त में। जल्दी मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।